दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, नवरात्रों में बहुत सारे धर्म ग्रंथों में मिलता है शक्ति की उपासना का वर्णन, और अपने अपने तरीके से शक्ति की उपासना करते हैं लोग। अगर देखें तो जो हमारी ब्रह्मांड है, सृष्टि है, हमारी समस्त सृष्टि, ये वस्तुतः क्या है, ये आप देखेंगे, ये पाएंगे कि शक्ति का ही परिणाम है। और इस बात को सब स्वीकार करेंगे कि संसार, सब स्वीकार करेंगे इस बात को कि संहार कार्यों में शिव और सृष्टि कार्यों में शक्ति को ही प्रधानता दी गई है। देखिए, अगर शक्ति को देखा जाए, इसको डिफाइन किया जाए, तो शक्ति क्या है? एक ऊर्जा मानेंगे शक्ति को, एक ऊर्जा है ही, ये गति है, एक और एक ऐसी गति है जो कंटिन्यूटी बनाई हुई है, और ये एक अनवरत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये वर्ष में शक्ति के रूप में चार पर्व मनाए जाते हैं, महापर्व मनाए जाते हैं, मगर आप देखें कि इन चार पर्वों में दो पर्व ही महत्वपूर्ण हैं, इन दो को नहीं माना गया है, इसीलिए इनको गुप्त नवरात्रि कहा गया है। और जो चार पर्व मनाए जाते हैं शक्ति के रूप में, ये इनमें भी, चारों में भी, जो ये नवरात्रि आपके 21 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, शारदीय नवरात्र, इनका ज़्यादा महत्व है। इनको अधिकांश लोग मनाते ही मनाते हैं अपने तरीके से, और इस दिन, इन दिनों में प्रारंभ से लेकर जब घट स्थापना करी जाती है, पूजन करते हैं, माँ का श्रृंगार करते हैं, खेतरी बोते हैं, जौ बोते हैं, जो भी आप इसको बोलें, फिर पूजा पाठ अनुष्ठान अपने अपने तरीके से, जैसा जिसका समय है, फिर ये अपने अपने तरीके से करते हैं। अब जो भी कुछ कर रहे हैं, देखिए, आप व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, है ना, मगर अगर इसको विस्तृत रूप में जाएंगे तो बहुत विस्तार है इसका, बहुत लंबा चौड़ा अनुष्ठान है, बहुत लंबा चौड़ा विधान है पूजा पाठ का। मैं संक्षिप्त रूप में आपको बता रहा हूँ कि नौ देवियों को, इन नौ शक्ति रूपों को, इन नौ स्वरूपों को किस दिन किस रूप में पूजा जाता है, और इनसे किस दिन क्या अपने आप उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। ये सरल सा, सूक्ष्म सा, फिर मैंने बताया ना, डिटेल्स में जाना है। माँ का पहला स्वरूप शैल पुत्री है। जो भी व्यक्ति माँ की श्रद्धा भाव से पूजा करता है, आराधना करता है, अर्चना करता है, माँ उस पर विशेष कृपा करती हैं, माँ उसको अभयदान देती हैं, कैसी भी विपदा है, कैसी भी आपदा है, उनसे रक्षा होती है। और इसके अलावा धन की, वैभव की, मान की, प्रतिष्ठा की, संपन्नता की, सबकी प्राप्ति होती है इस दिन की पूजा आराधना से। माँ को, शैलपुत्री माँ को श्वेत रंग बहुत पसंद है, इसलिए माँ का अगर श्रृंगार करते हैं आप, तो श्वेत पुष्पों से करें, श्वेत वस्त्रों से करें, श्वेत प्रसादन सामग्री से करें, इससे माँ प्रसन्न होती हैं। लाल पुष्पों का भी विधान है माँ के श्रृंगार में, माँ को अर्पण करने के लिए। और भोज्य पदार्थों में नैवेद्य के रूप में दूध की बनी खीर, सफ़ेद मिष्ठान और मीठा पान माँ को बहुत प्रिय है। इस दिन अगर पूजा अर्चना करते हैं तो 8-9 वर्ष से छोटी कन्याओं को सफ़ेद चीज़ें उनको वितरित करें, और इस प्रकार से ऐसी चीज़ें वितरित करें, मैं बार बार कहता हूँ, जो उनको प्रसन्न करें, जो आप, जिससे आप उनकी प्रसन्नता बटोरें। देखिए, माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का रूप है। जो भी कार्य की सफलता चाहते हैं आप, किसी भी कार्य की सफलता की अगर आपको अपेक्षा है, तो ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप भक्ति भाव से पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं, ये आप करें। शोक के लिए, रोग के लिए, विशेष रूप से आयुष्य के लिए, बीमारी के लिए, अगर मान लीजिए कोई कष्टकारी बीमारी है, असाध्य रोग है, मेडिसिन इफेक्टिव नहीं हो रही, तो आप ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप जो भी मन में बसा सकते हैं, जो भी छवि अपने मन में बसा सकते हैं, उस रूप में माँ की आराधना करें। ये सेकंड डे माँ का, जो विशेष रूप से जो
कुंवारे लोग हैं, कुंवारी कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा, तो वो अगर इस दिन माँ की पूजा करती हैं तो उनके विवाह की संभावना बनती है। इस दिन माँ को गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है। अगर कुंवारी कन्याएं गुड़हल के फूल से माँ की पूजा करती हैं तो उनकी मनोकामना शादी के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ज़रूर सिद्ध होगा, अच्छा उनके लिए। चीनी मिश्री का भोग लगाया जाता है इस दिन। मीठा पान माँ को अर्पित किया जाता है, इससे माँ प्रसन्न होती हैं। और फिर वही पूजा पाठ के बाद में छोटी कन्याओं को, 8-9 वर्ष से छोटी कन्याओं को प्रसाद स्वरूप कुछ ना कुछ जरूर दें। इस दिन अगर बच्चों को आप, छोटी कन्याओं को आप कोई भी सुगंधित चीज़ें वितरित करते हैं, उसमें परफ्यूम है, उसमें डियो है, उसमें सेंट है, उसमें इत्र है, उसमें जो भी कुछ आप दे सकते हैं तो बहुत शुभ होगा। तीसरा दिन माँ का, शक्ति का चंद्र घंटा के रूप में मनाया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक तनाव में जी रहा है, मेंटल एगोनी है, मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन का पेशेंट है, तो माँ की सफ़ेद पुष्पों से, सफ़ेद रंग की माला से, सफ़ेद भोज पदार्थ से, नैवेद्य से चंद्र घंटा माँ की पूजा करें। और जब माँ की आरती करी जाती है तो इस दिन घंटनाद किया जाता है। जो घंटे की स्वर होती है, जो घंटे का जो नाद होती है, जो उसका गुंजन होता है, ये अगर कानों में पड़ता है तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। इसकी हमिंग, इसकी इको, इसकी गूंज निरंतर करते रहें और माँ की पूजा, माँ की आराधना, माँ की भक्ति, माँ की आरती, जो भी कुछ करते हैं ये आप करें। और इसके बाद में छोटी कन्याओं को, वही 8-9 वर्ष से छोटी कन्याओं को खिलौने वितरित करें, संदर्भ प्रसाद वितरित करें, और उनको ऐसी चीज़ें दें जिनसे कि आपको प्रसन्नता मिले, उनकी प्रसन्नता बटोरें। मैं बार बार देखिए कहता हूँ, मेरे पिछले वीडियोस आप देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस के लिंक दे देता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि बच्चों को ऐसी चीज़ दें जिससे उनकी किलकारी निकले। एक गुब्बारे से, एक टॉफ़ी से, एक चॉकलेट से बच्चे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, वनस्पत उनको आप पूरी खिलाएँ, छोले खिलाएँ, मिस्टार खिलाएँ, क्योंकि छके होते हैं इस दिन। तो आप इस तरीके से छोटे बच्चों की प्रसन्नता बटोरें और माँ चंद्र घंटा की आशीर्वाद, उनकी दुआ, उनकी आशीष, उनकी अहितु की कृपा प्राप्त करें। देखिए, चौथा दिन माँ का कुष्मांडा रूप में मनाया जाता है। माँ के इस रूप में अगर आप माँ की पूजा अर्चना, आरती, धूप दीप, जिस रूप में भी करते हैं, जिस तरीके से भी करते हैं, तो यश के लिए और आयुष्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होगा। माँ को लाल गुलाब, जो देसी रंग का होता है, सुगंधित, वो बहुत प्रिय है। इस दिन माँ को लाल गुलाब आप उपहार स्वरूप दीजिए, उनको भेंट स्वरूप दीजिए, लाल रंग के वस्त्रों का श्रृंगार कीजिए, लाल रंग के सौंदर्य प्रसाधन माँ को से उनका उनके उनको सजाइए, उनका श्रृंगार कीजिए। भोग पदार्थ नैवेद्य के रूप में कुछ निकाल रहे हैं तो उसमें गुड़ का जरूर, लाल रंग की मिठाई हो, गुड़ हो, वो उसमें मिला दें। ये इस प्रकार से माँ की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो रोगों के क्षमन के लिए बहुत आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और बच्चों को इस दिन टॉफ़ी बांटें, छोटे बच्चों को, कन्याओं को पिपरमेंट की गोलियां दें, उनको टॉफ़ी दें, चॉकलेट दें, इससे बच्चों की प्रसन्नता बटोरेंगे और माँ की कृपा आप पे मिलेगी। पंचम दिन, पांचवा दिन माँ का स्कंद माता के रूप में मनाया जाता है। शक्ति माँ का पाँचवा रूप भावी संतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान के सुख के लिए, जिनको दरकार है बुद्धिमान, गुणवान, ज्ञानवान संतान बनाने की या संतान प्राप्त करने की, तो पांचवा दिन माँ का स्कंद माता के रूप में आप मनाएं। ये बहुत ही शुभ सिद्ध होगा आपका दिन। केले का प्रसाद भोग सब माँ को अर्पित करें। माँ को छोटी इलायची प्रसाद स्वरूप अर्पित करें, 2 इलायची आप माँ को अर्पित करें, यह आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और माँ इस दिन की पूजा करे व्यक्ति को शांति का वरदान देती हैं, उसके घर में शांति रहती है। जब बच्चे अच्छे होंगे तो घर में शांति होगी ही होगी। छोटी कन्याओं को वही प्रसादन, सौंदर्य प्रसादन दीजिए, गहनों से प्रसन्न कीजिए, उनकी उनकी मनोकामना आप पूरी करें, माँ आपकी मनोकामना पूरी करेगी। छठा दिन, छठवा दिन षष्ठी
माँ का आद्य शक्ति के रूप में मनाया जाता है और ये स्वरूप माँ का कात्यानी स्वरूप है। गोधूली बेला में अगर कुंवारी कन्याएं माँ की पूजा करती हैं, माँ की अर्चना करती हैं, ध्यान पूजा आरती जो भी जैसे भी करती हैं दुर्गा सप्तशती, तो माँ की कृपा बनी रहती है और विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं को मनवांछित पति पाने में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है षष्ठी के दिन का पूजन। माँ को इस दिन शहद का भोग लगाएं, पीले रंग के पुष्प, ये माँ को पीले रंग का भोज पदार्थ दें, उनको प्रसाद स्वरूप माँ को दें तो माँ प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को अगर इस दिन वितरित कर रहे हैं छोटी कन्याओं को, तो पीले वस्त्र दें, पीली मिठाई दें, पीले रंग के बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हेयर बैंड आते हैं, हेयर पिन आते हैं, क्लिप आती हैं, माला आती हैं, अंगूठी आती हैं, रिबन आती हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो बच्चों को आप वितरित करें। आदि शक्ति माँ का सातवां दिन काल रात्रि रूप में मनाया जाता है। देखिए ये दिन जो तांत्रिक हैं, मांत्रिक हैं, जो सिद्धियाँ कर रहे हैं, जो मंत्र सिद्धि कर रहे हैं, अनुष्ठान में जा रहे हैं किसी, उनके लिए सप्तमी बहुत शुभ कही गई है। माँ की पूजा, माँ की अर्चना आराधना करते हैं, गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएं माँ को, भोज पदार्थ गुड़ से बनी कोई भी चीज़ अर्पित करें। लाल पुष्प माँ को बहुत पसंद है, आप लाल पुष्प से माँ का श्रृंगार करें। ये दिन विशेष रूप से नवग्रह शांति के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है। अगर नवग्रह शांति के लिए कोई उपक्रम कर रहे हैं आप, तो सप्तमी के दिन करें, ये बहुत शुभ होगा आपके लिए नवग्रहों की शांति के लिए। कन्याओं को इस दिन अगर आप वितरित करते हैं तो सुगंधित पदार्थ वितरित करें, इत्र है, सेंट है, परफ्यूम है, डियो है, ये आप करें, माँ समस्त बाधाओं से रक्षा करेंगे आपकी। अष्टमी आठवां दिन माँ का महागौरी रूप में मनाया जाता है। माँ के स्वरूप की आप आराधना करें, माँ का स्वरूप का ध्यान करें, श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत प्रसादन, सौंदर्य प्रसादन माँ को अर्पित करें। नारियल का भोग इस दिन लगाया जाता है और माँ की श्रद्धा भाव पूजा अर्चना जिस तरह भी करते हैं, आपको सफलता के लिए, हर कार्य में सफलता के लिए ये दिन बहुत ही शुभ होगा, आपके पूजा पाठ का फल मिलेगा ही मिलेगा। भोग स्वरूप इस दिन मिष्ठान हलवा माँ को अर्पित करना बहुत शुभ सिद्ध होता है। आठवें दिन अगर अपने ऊपर से एक जटा वाला नारियल वार के जल में प्रभावित करते हैं तो जितनी भी बाधाएँ हैं, जितने भी रोग शोक कष्ट हैं, वो सारे के सारे आपके इस दिन की पूजा करने से निश्चित रूप से दूर होंगे। माँ का नवा दिन सिद्धि दात्री के रूप में मनाया जाता है। सब प्रकार के सिद्धियों के लिए ये दिन बहुत शुभ माना गया है। अगर कोई भी भौतिक सुखों की इच्छा है, भौतिक सुखों की कामना है, माँ की आप सिद्धिदात्री रूप में आराधना करें, पूजा करें। माँ को जो भी आप भोग प्रसाद आरती कर रहे हैं आप, इस दिन हवन करें, माँ को प्रसन्न करने के लिए हवन में, इस दिन हवन सामग्री में कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे कमलगट्टा है, जैसे जौ है, जैसे काले तिल हैं, पंचमेवा है, गोघृत है, शक्कर है, बूरा है, चीनी है, जो भी कुछ है इसमें अर्पित कर लेते हैं तो माँ की प्रसन्नता बटोरेंगे ही बटोरेंगे। पूरी चना हलवा माँ को नैवेद्य स्वरूप अर्पित करें इस दिन, और कन्याओं के निमित्त आप इस दिन उनको सौंदर्य प्रसादन रुपए पैसे भेंट स्वरूप जो भी आप उनको वितरित करते हैं ये दें। ये नव दिन आदि शक्ति के, माँ के शक्ति रूप के इस रूप में फिर इसको जितना आप बढ़ा लें, देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लगभग बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं माँ के, आप पूजा अर्चना के आप इनको कीजिए और जितना फिर इसमें आगे बढ़ें। देखिए पूजा अर्चना आराधना जितनी करें उतनी कम, जितना लंबा खींच लें, मगर मेरा सबमिशन होता है कि पूजा इफेक्टिव हो, पूजा प्रभावशाली हो, पूजा सूक्ष्म हो, लंबी नहीं, दिल से हो, मन से हो, आस्था से हो। सबको शुभ शुभ हो, माँ सब पे इन नौ दिनों में कृपा बरसाए बरसाए और माँ की कृपा सबको मिले ही मिले। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।